फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो फाइनली आज हम लोग केस स्टडी सीरीज को एंड कर देंगे कल आपके पास एक आखिरी दिन है और आपको पता है सुबह से लेकर रात तक कल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है बिजनेस स्टडीज का अच्छे से रिविजन करना है उम्मीद है आज का आपने जो ट्वेंटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसी क्यू चैप्टर नाइन टेन टू ट्वेल्व इसके अलावा क्लास आप लोगों को स्ट्रेटेजी तो बताई थी मैंने आपको अच्छे से आपने समझ लिया और आपको तीन प्रीमियम मॉक टेस्ट भी हर एक बच्चे को एट एनी कॉस्ट बनाना ही बनाना है अब फाइनली क्लास रिविजन करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट मार्केटिंग और क्लास प्रोडक्शन के मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड का राइट right? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर सर्टेन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट इट लिंक द सेवर्स विद द इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्ट अवेलेबल फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पर्पज इट ऑल्सो फैसिलिटेड इजी परचेज सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट ओनली द ओनली फैसिलिटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ बट ऑल्सो एजुकेट पीपल अबाउट हाउ देयर इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट कैन हिल्ड गुड रिटर्न स्टॉक मार्केट क्लास सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं देता आपको बताता भी है गाइड भी करता है आपको एजुकेट भी करता है किस तरीके से आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करके बेटर यानी बेहतर रिटर्न पा सकते हो स्टेट द टू फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन द केस आपको फाइनेंशियल मार्केट के दो फंक्शन लिखने और एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो अदर देन द स्टेटेड इन द आपको स्टॉक एक्सचेंज की देखो यार देखो इस क्वेश्चन में स्टॉक एक्सचेंज के जो फंक्शन है ना वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन जो फाइनेंशियल के जो क्लास फाइनेंशियल मार्केट जो है इसके फंक्शन क्लास सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस बार तो वो आपको नहीं करना अब जो कल हम फाइनल रिविजन करेंगे मैं उसमें नहीं कराऊंगा आई नो मुझे मैंने पहले करा दिया था क्लास क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा ये है या नहीं है जनरली मैंने क्लास थर्ो स्टडी की और मैंने देखा नहीं है तो मैं इसको स्किप करा रहा हूँ फिर भी अगर आपको रिस्क लगे तो आप उसको पढ़ के जा सकते हो तो टू फंक्शन अब देख ही लेते हैं क्लास सबसे पहला तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं मोबिलाइजिंग मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स

फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन में क्लास आपको सीपीएल बताया था क्लास है ना कैरबिन प्रीमियर लीग सीपीएल ठीक है इसके अलावा ईपीएस बताया था है ना इकोनॉमिक बैरोमीटर बताया था क्लास प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी टू ट्रांजेक्शन स्पेकुलेशन भी बताया था आपको और लिक्विडिटी बताया था क्लास आपको प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन और क्लास कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इक्विटी इक्विटिकल्ट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे शॉर्टकट मैंने आपको ईपीएस सीपल बताया था तो यहाँ पर टू मोर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अदर दैन दो स्टेटेड इन द अव तो जो इनमें से नहीं है तो आप कोई भी दो लिख सकते हो क्लास प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन सबसे पहला दूसरा क्लास इक्विटी इक्विटिकल्ट स्प्रेडिंग इक्विटी इक्विटिकल्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ जो तुम्हारी मर्जी आय क्लास तुम वो लिख सकते हो राइट फैसिलिटेड प्राइस डिस्कवरी भी कह सकते हो ये पी से प्राइस डिस्कवरी भी कह सकते हो जो तुम्हारी मर्जी एनी टू लिखना है जो ऊपर डिस्कस नहीं हुए नेक्स्ट राधिका गॉट टेन लाख रुपीज आफ्टर सेलिंग हर पेरेंटल प्रॉपर्टीज इन स्टॉक शेयर एडवाइस किया राधिका वॉज अन अवेयर ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द सेम राधिका को पता नहीं था ना उसने हमारी क्लास नहीं ली थी उसको पता नहीं था कैसे ट्रेड करना है हर फ्रेंड रूस हर स्टॉक ब्रोकर उसने क्लास क्या किया एक ब्रोकर से रिड्यूस करवाया पहला पॉइंट क्या हो गया क्लास लेक्शन ऑफ ब्रोकर उन्होंने ब्रोकर को सिलेक्ट कर दिया हुए रजिस्टर्ड विद नेशन स्टॉक एक्सचेंज राधी का अप्रोच द ब्रोकर द ब्रोकर गाइड हर टू ओपन अकाउंट फिर क्या खुल गया क्लास डी मैट अकाउंट खुल गया विद डिपोजिटरी एज अब आप डिपोजिट्री के साथ डायरेक्टली नहीं खोल सकते तो आपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से नहीं ब्रोकर का सहारा लिया है एज वेल बैंक अकाउंट राधा का ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट विद एक्जिम बैंक एक बैंक है क्लास एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक उसके साथ खुलवा लिया एंड द्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विच हैव बिन डिस्क

एग्जामिनर सोचता है एक्सप्लेन नहीं किया नंबर नहीं दिया बट स्टेट का मतलब आपको क्लास बताना है इन ब्रीफ आप बता सकते हो कुल मिला के प्लेसिंग ऑर्डर मैच बेस्ट प्राइस उसके बाद क्या होगा मैच बेस्ट प्राइस फिर ऑर्डर एक्जीक्यूशन होगा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एक्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्लास कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी या नहीं कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट नोट राइट तो ये हो गया नेक्स्ट फोर तो आप आंसर कैसे लिखोगे पहला ए क्लास आंसर नंबर सिक्सटी वन है ना ए और फिर बी तो आपको लाइन बाय लाइन लिखना है बी ए और बी में एक लाइन गैप भी छोड़ देना ओके okay? नेक्स्ट नायर इज वर्किंग एज अ पी जी टी कॉमर्स इन सी बी एस सी एफिलेटेड स्कूल ऑफ केरला ऑन द डे ही वॉज टीचिंग अबाउट कैपिटल मार्केट इन क्लास ही इन्फॉर्म द क्लास दट ड्यूरिंग नाइनटीन एटी द कैपिटल मार्केट इन इंडिया विटनेस इज अ ट्रिमेंडस ग्रोथ बिकॉज इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक दिस एवर इंक्रीजिंग इन्वेस्टर्स पॉपुलशन एंड मार्केट कैपिटन लेट टू अ वेराइटी इसकी अलग कहानी क्लास कभी बताऊंगा मौका मिला तो वेराइटी ऑफ माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी वहाँ पे क्लास माल जब तरक्की कही कि स्टॉक मार्केट ने लोग ज्यादा आने लगे तो कंपनी ने क्लास ब्रोकर ने मर्चेंट बैंक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अदर इन्वॉल्व जो है वो बहुत सारे टैक्टिस इन्वॉल्व करने लगे सिक्योरिटी मार्केट में मतलब झोल करने लगे दीज माल प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्लास इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया मल्टीपल इन्वेस्टर्स शिकायतें आने लगी ग्रीवेशन होने लगा लोग छोड़ के जाने लगे स्टॉक मार्केट को द गर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टॉक एक्सचेंज वर हेल्पलेस इन रिगार्डिंग द इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम बिकॉज अ लैक ऑफ प्रॉपर पेनाल्टी प्रोविजन इन एक्जिस्टिंग लेजिस्लेशन इन व्यू ऑफ दिस गवर्मेंट ऑफ इंडिया हैज हैजाइड टू सेटअप रेगुलेटरी बॉडी सिंपल सी बात है

ऑल्सो स्टेट थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटरी बॉडी क्लास आइडेंटिफाइंड पार्ट मतलब से बी के आपको तीन क्लास ऑब्जेक्टिव लिखने एनी थ्री अब ये आप सारे बच्चे कॉमेंट सेशन में लिख के दिखाओ बहुत सिंपल है से बी के ऑब्जेक्टिव और सभी के फंक्शंस तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए तो सैबी को स्टैब्लिश क्यों किया गया कुछ तो खुद ही बना के लिख लो गे आप कुछ तो अपनी ओन लैंग्वेज बना के लिख दोगे भैया इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को पटक करने के लिए स्टॉक मार्केट में माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे फाइन पेनल्टी लगाने के लिए स्टॉक मार्केट को डेवलप करना ये सब क्लास ऑब्जेक्टिव है किसका सभी का नेक्स्ट मिस्टर संजय चेक करो क्लास क्वेश्चन क्या पढ़ने की एबिलिटी जो है ना क्लास वो आप सुधार लो अच्छे से ताकि आप रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो सके अगर आपको शुरू में दिक्कत है तो पहले आप यहाँ से पढ़ लो बाई कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अव पैरा एंड स्टेट आइडेंटिफाई देखो और बताओ टू फंक्शन वर परफॉर्म बाई तो कौन से फंक्शन हैं तो दो फंक्शन है मिस्टर संजय नेहरा वॉज द चेयरमैन ऑफ तरन बैंक द बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रोफिट्स शेयर होल्डर्स वर हैपी एज द बैंक वॉज पेइंग रेगुलर डिविडेंट ऑब्वियसली क्लास हमने ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा है अगर आप अच्छा डिविडेंड देते हो रेगुलर डिविडन देते हो तो शोल्डर खुश रहते हैं कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते हैं कंपनी का नाम अच्छा चलता है

मतलब उसने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का यूज किया और अपने दोस्त को फायदा पहुंचाया एज एक्सपेक्टेड द शेयर प्राइस वेंट फोर्टी परसेंट एंड द क्लास उसको उसका शेयर अब सात करोड़ का हो गया दो करोड़ का फायदा कुछ दिन में दो करोड़ का मुनाफा कमाया उसने बोला एक करोड़ तूरक भाई एक करोड़ हो गया मेरा दोनों भाई भाई हैं क्लास आधा आधा बांट लेते हैं ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड बाई कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑफ द ब्रोकर इन्वॉल्व सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एबल टू डिटेक्ट द इरेगुलरिटी कुछ डाउट हुआ कुछ शक हुआ उसको दैबी इम्पोज हैवी पेनल्टी ऑन मिस्टर संजय नेहरा बाई कोटिंग द

प्रॉफिट दो करोड़ रुपए ऑन इंस्पेक्शन ये रहा ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन तो ये हो गया ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्ट बाई रेगुलेटी सभी इंपोजर हैव पेनल्टी ये हो गया क्लास रेगुलेटरी फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ये रेगुलेटरी फंक्शन हो गया ना इंक्वायरी ऑडिट अब उसने लिखा था बैंक ऑफ uh, उसने उसको अलाउ नहीं था यानी कि खुद शेयर खरीदना तो उसने देखो ही हाँ ही नॉट अलाउड यहाँ से लेकर क्लास फोर्टी परसेंट सेवन करोड़ ठीक है इन प्रॉफिट ऑफ करोड़ अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आ गया यहाँ से यहाँ तक प्रोटेक्टिव यहाँ से यहाँ तक क्लास रेगुलेटरी फंक्शंस नेक्स्ट पूछा गया एंटी टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी सेबी किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है आउटलाइन एनी टू रीजन फर्स्ट ये तो अभी हमने बात की सेबी को सेटअप करने के दो रीजन बताए थे अभी जो ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे थे ये सेम वही ऑब्जेक्टिव है अब क्वेश्चन पूछ कौन सा फंक्शन है द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर ऑल मार्केट इंटरमीडिएट यानी कि ब्रोकर जितने भी है उनको ट्रेडिंग दिया जाएगा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा अंडर दिस प्रोग्राम पीपल एसोसिएटेड विद द स्टॉक मार्केट इन एनी वे विल हैव टू ऑप्टेन अ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मतलब अगर आपको ये काम करना है तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द रेगुलेटर द नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ट्रस्टेड ट्रस्ट फॉर्म बाय से अभी टास्क विद द सर्टिफिकेट तो क्लास उसको बोला गया अभी तुम ये वाला काम संभाल लो तो आप लोग क्लास मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शन uh, क्लास कहलाएगा कौन सा फंक्शन कहलाएगा प्रोटेक्टिव क्या प्रोटेक्शन की बात की जा रही है फाइनल क्वालिटी की बात की जा रही है नहीं इसमें क्लास डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है ब्रोकर्स की ट्रेनिंग की बात की जा रही है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं सब ट्रेनिंग लेंगे एग्जाम पास करेंगे और एग्जाम पास करने के बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा एज अ ब्रोकर कंटिन्यू करने के लिए तो ये क्लास डेवलपमेंट फंक्शन है कौन सा फंक्शन है डेवलपमेंट फंक्शन जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही आंसर देना ए पूछा है तो ए का आएगा डेवलपमेंट फंक्शन

तो ऑब्वियसली क्लास 12 में से जो ये वाला पॉइंट है वो है क्लास आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज यहां पे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दी जा रही है सेल आफ्टर सर्विसेज दी जा रही है मेंटेनेंस की है ना तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सही आंसर है इसका कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज 66 प सेन और मैन्युफैक्चरिंग रीड से पूछा क्या आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलोसफी आपको पता पांच फिलोसफी है सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तपस् से नैन्युफैक्चर रीडिजाइन हिज एग्जिस्टिंग सूप मेकिंग मशीन इनटू स्मॉल एंड पोर्टेबल मशीन फॉर सेलिंग द मशीन ही एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद हिज अंकल हु अग्री टू फिनेस द प्रोजेक्ट फिफ्टी परसेंट शेयर इन प्रॉफिट जैसे साग टैंक में होता ना फिफ्टी परसेंट शेयर के मालिक हम बन हम तुम्हें पैसे दे देंगे टू लॉन्च द मशी दे डिसड टू स्टार्ट विद डायरेक्टल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीधा अग्राह के घर जाके बेचेंगे

देखो यार ये ना घर घर जाके बेचेंगे पर्सनली डायरेक्ट चैनल है ध्यान रखना ध्यान रखना बच्चों पर्सनल सेलिंग के अंदर डायरेक्ट चैनल होता है डायरेक्ट चैनल है ना डायरेक्ट चैनल तो बताओ क्लास यहां पे ये कौन सा है अग्रीमेंट विद अंकल अग्री टू फिनेंस द सूपिंग मशीन अ स्मॉलर पोर्टेबल मशीन for selling the machine he entered into the agreement with his uncle who agreed to finance the project to launch the machine they decided to start a direct channel of distribution they named venture cup of the first year the main objective was profit maximization they appointed 30 trained sales for distribution of machines across the country they offered incentive over. class आप मुझे बताओ इनका मेन मोटो है प्रॉफिट कमाना तो ये सेल्स को बढ़ाएंगे क्लास इनका मेन मोटो है प्रॉफिट कमाना दिस मींस वो सेल्स को बढ़ा के तो प्रॉफिट कमा सकते हैं हायर सेल्स यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, राइट हाई क्वांटिटी में सेल्स प्रोडक्शन करेंगे तभी कर पाएंगे प्रोडक्शन इजीली लो प्राइस समाज के कल्याण की तो बात कुछ करी है, नहीं, ना के की बात की गई है और भी किसी से लग रहा है तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ही लग रहा होगा इसमें ठीक है नेक्स्ट सिक्सटी सेवन जेटीएम लिमिटेड लॉन्च अ बडी लाइन एन एक्साइज बुक एंड कॉम्प्रीहेंसिव स्टेशनरी ब्रांड नेम कॉम्प्रोमाइज क्लास कॉम्प्राइजिंग बॉल पेन जेल पेन ज्योट्री बॉक्सेस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट यानी कि वो टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई किया अंडरस्टैंड द न्यूड एंड वांट ऑफ कस्टमर फाइंड आउट किया ऑल देयर प्रोडक्ट्स फॉर गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली बट एक्सपेंसिव गुड क्वालिटी है यानी क्लास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इको फ्रेंडली है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दे वॉन्टेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दट ऑफ कंप्यूटर अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग बनाना चाहते हैं द स्पेंट ऑफ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इन क्रिएटिंग द ब्रांड नेम एज द न्यू दट विदाउट अ ब्रांड नेम द कंपनी कैन ओनली

एंड क्लस कैन नेवर बी श्योर विद द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट दे अफर्ड पेड ऑफ एंड द डिमांड फॉर प्रोडक्ट स्टार्टेड ग्रोइंग द कस्टमर लाइक द ब्रांड एंड बिकम हैबिटल टू इट दे डिड नॉट माइंड पेइंग हायर प्राइस ब्रांडेड चीज को वो हायर प्राइस देने से माइंड नहीं करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम अ स्टेटस सिंबॉल एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो एक स्टेटस का सिम्बॉल बन गया ब्रांड टू बाय बडी लाइन ब्रांड बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी द कंज्यूमर्स फेल्ट प्राइड इन यूजिंग दम तो सीधी बात है आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको गर्व महसूस होगा आपको यूज करने में अच्छा लगेगा अच्छा फील आएगा आपको अंदर से लग्जरी फील कराएगा राइट तो आप मुझे बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी कौन सा फिलोसफी की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो फिलोसफी है गुड क्वालिटी और इको फ्रेंडली बट एक्सपेंसिव तो यहाँ पे हमारे पास दो फिलोसफी है सबसे पहला फ़िलासफी है क्लास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और दूसरा फिलोसफी जो है वो है क्लास आपका सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बट अगर मैं एक अगर आप अगर दोनों लिख सकते हो अगर आप अगर एक लिखना चाहते हो तो सोशल सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लिखना क्योंकि क्लास इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात करता है इसमें बहुत हैवी हाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है बट है ये दोनों ही एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर्स हाईलाइट इन द तो कौन कौन से एडवांटेज हैं ब्रांडिंग के सबसे पहला क्लास जो एडवांटेज है स्टेटस सिंबल सबसे पहला स्टेटस सिंबल आपको हाईलाइट तो लाइन तो लिखना नहीं है लेकिन क्लास ये क्या है स्टेटस सिंबल गुड्स है अब यहाँ पे आपको अंडरलाइनिंग नहीं करना है ना तो आप कोई भी लिख सकते हो अगर आपको ऊपर से नहीं समझ आ रहा तो आप कोई भी लिख सकते हो ठीक है सेल्स आपकी बढ़ेगी है ना स्टेटस सिंबल गुड्स बनेगा और क्या क्लास होगा प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन दूर से लोग क्लास आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट को और सेल्स बढ़ रही है इन्हेंस सेल और उसके बाद स्टेटस सिंबल हो गया बस तीन पॉइंट और कोई पॉइंट लिख सकते हो क्या लॉट ऑफ एफर्ट टाइम डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स टीचर्स क्लास हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्राइस लिखा ना माइंड नहीं करें कस्टमर ज़्यादा पे प्राइस करने में तो यू कैन चार्ज हाई प्राइस अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है ना तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो ब्रांडेड घड़ी दो लाख चार लाख पाँच लाख की आती है नॉर्मल घड़ी पचास रुपये सौ रुपये हज़ार रुपये की आती है

they conducted a survey to collect data and identify whether the demand of ready-made atta is realized at growing number of workwear -work, women's so, to ye ye kya hoga class ye full stop ek paragraph le right? lena gathering and analyzing the market information it is the need of the r2 manufacture high quality atta they name their product ye class the product ka naam rakh rahe hain they name their product srijan and set up a srijan atta factory in jaipur village unhone class ek naam rakha right? hai hai na gathering and analyzing the market information ye kya class branding टू पेनेट्रेट इन द मार्केट देाइड टू कीप द प्राइस लो है ना कीप द प्राइस लो ये हो गया क्लास प्राइसिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द मेंटेनिंग स्मूथ फ्लो देअर प्रोडक्ट दे अवॉइडिंग डीले इन डिलीवरी वट एस के सर्विस विच हैड साइंटिफिक प्रोसेस एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी ये क्या हो गया क्लास मुझे बताओ ट्रांसपोर्टेशन है वेयर हाउसिंग है क्या है फॉर मेंटेनिंग स्मूथ फ्लो ऑफ देयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट के स्मूथ फ्लो के लिए वो क्या करेंगे मुझे बताओ क्लास क्या है ये स्टोरेज एंड वेर हाउसिंग क्या क्लास स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग आप लिखोगे स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग स्टोर करने की बात कर रहा है दे ऑल्सो कैप ट्रांसपोर्ट मतलब क्लास जब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके भेजा जाए अलग अलग जगह सॉरी जब आप उसको दूर दराज भेजते हो तब प्लीज गैप खत्म करते हो दे ऑलसो केप्ट एन ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल कैसे कंप्लेन पोर्टल जहां भी कंप्लेन पोर्टल आ जाना समझ जाना क्लास ये क्या है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है यानी सेल आफ्टर सर्विसेज ठीक है तो बस ये सारे के सारे आपने हाईलाइट करना है आपको कोट कर पॉइंट लिखना है उसको एक्सप्लेन करना है लाइन कोट करना है पॉइंट लिखो पॉइंट को एक्सप्लेन करो और लाइन को कोट करो लाइन कोट शुरू के कुछ वर्ड ले लो डॉट 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 आखिरी कुछ वर्ड पूरा लिखना जरूरी नहीं है

Uh, ट को मतलब तो कोई भी ऐसी ना हो हमारा प्लैनेट खराब हो जाए एंडीफाई दर्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट या सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ठीक है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह लो चलेगा okay?

और क्लास दे अप्रोच द प्रिंसिपल नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो गिव कंसेंट फॉर सेम स्कूल डिसाइड टू डोनेट फिफ्टी परसेंट रेवन्यू जनरेट फ्रॉम द सेल ऑफ नियर ऑर्फेनेज नियर बाय आफ्टर द स्कूल फॉर द स्कूल वर्ड डिसाइड टू एक्सटेंड द प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट हाँ तो इसके अंदर क्लास दो आएगा ब्रांडिंग आएगा क्लास पैकेजिंग आएगा आप चाहो तो लेबलिंग भी लिख सकते हो ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग कोई भी दो बताना एनी टू प्रोडक्ट लेन फंक्शन डिजन स्टूडेंट हैड टू टेक तो स्टूडेंट्स को क्या लेना पड़ेगा भाई ब्रांडिंग भी करना पड़ेगा पैकेजिंग भी लेबलिंग भी कोई भी दो लिख देना नाम रखना पड़ेगा एक पैकेट में डालना पड़ेगा और क्लास उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी जैम का एक्सपायरी डेट बैच नंबर वगैरह जो भी उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है फ्लेवर वगैरह जो भी है सब लिखना पड़ेगा अमर इज इंगेज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर ही सर्वे द मार्केट एंड फाउंड दैट कस्टमर नीड अ रेफ्रिजरेटर विद सेपरेट प्रोविजन ऑफ वाटर कूलर इट ही डिसाइडेड टू लॉन्च सेम रेफ्रिजरेटर इन द मार्केट आईडेंटीफाई मार्केट फिलोसफी यार ये कस्टमर के लिए काम कर रहा है अच्छा सुनो कहीं पर लिखा है ना अग्रेसिव सेल मतलब बाई हुक और क्रुक किसी भी तरीके से सेल्स को बढ़ाना बाई सेल्स को बढ़ाना है अग्रेसिव सेल करनी है तो समझ जाना क्लास वो सेलिंग कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पे कस्टमर के लिए ये काम कर रहा है तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है आईडेंटिफाई द टूल्स ऑफ प्रमोशन बींग टेकन इन कंस्ट्रेशन टूल्स ऑफ प्रमोशन प्रमोशन के टूल्स कौन कौन से होते हैं एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग पब्लिसिटी

किट ऑफ कॉम्प्राइजिंग हैंडवॉश सोप एंड ऑल्सो प्लान टूर्गेट प्लेस टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन इन आर डेली लाइफ हमारी मैटर करती है उसको समझाने के लिए शोज भी चलाएंगे छोटे छोटे रैपर शैशे छोटे छोटे शैंपू आते हैं क्लास वो सब हम फ्री में लोगों को बांटेंगे तो कौन सा टूल है क्लास प्रमोशन का जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है दिमाग लगाओ क्लास कौन सा यहाँ पे टूल है देखो यार ये पर्सनली जा जाके गांव में काम कर रहे हैं तो क्या इसे पर्सनल सेलिंग कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग और ये जो छोटे छोटे पैकेट तो हमारे प्रमोशन है, कहते हैं इंस्टेंटली सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्रमोशन यूज सेलिंग हो गया टू वैल्यूज क्लास वैल्यूज तो हमको नहीं करने इसके क्वेश्चन नहीं आते कट कर दो ठीक है सेल्स प्रमोशन टेक्निक हो गया क्लास और फ्री बांट रहे हैं तो सेल्स प्रमोशन हो गया और ये पर्सनल सेलिंग हो गया पर्सनल सेलिंग सूरज बारह फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है और टू फैक्टर्स वाइल परफॉर्मिंग दो फैक्टर बताने आपको तो सबसे पहले सूरज इज स्मॉल ऑन्टर इन्वॉल्व इन मैनुफेक्चरिंग ऑफ हेयर वैक्स He finds the cost of production so gram, ka hai. he decided to keep margin of 15 percent profit. Moreover, he has a, a, uh, assessed that there is a free competition in the product segment. तो क्लास फ्री कंपटीशन इन द प्रोडक्ट सेगमेंट है तो so आपने बताना है क्लास एंडीफा द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है स्मॉल ऑन्ट्रप्र्यूर है इन्वॉल्व इन मैनुफैक्चरिंग ही फाइंड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई सौ का हे डिसाइड टू कीप अ मार्जिन ऑफ पंद्रह वो सिर्फ पंद्रह का मार्जिन रखकर काम करना चाहता है तो so कौन सा क्लास फंक्शन है तो so देखो यार ये प्राइस की बात कर रहा है है ना पंद्रह परसेंट मार्जिन ये कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डिजाइनिंग का डेवलपमेंट का कस्टमर सपोर्ट सर्विस टोल फ्री नंबर ई हेल्पलाइन कोई बात नहीं कर रहा है इसकी बात करें प्राइसिंग की तो कौन सा फंक्शन है क्लास प्राइसिंग और दो फैक्टर्स है क्लास इज टेकिंग तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो क्लास प्राइस को आपने कम रखना है राइट कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो प्राइस को आपने कम रखना है और दूसरी बात है क्लास यहाँ पे कीप मार्जिन मैनुफैक्चरिंग ही फाइंड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाँ और कॉस्ट जितनी है उस हिसाब से प्राइस रखना है तो पहला है कॉस्ट दूसरा एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कॉस्ट ज्यादा प्राइस ज्यादा कॉस्ट कम प्राइस कम एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन ज्यादा तो प्राइस कम और कॉम्पिटिशन कम तो प्राइस ज्यादा अच्छा यह क्लास है क्या पूछा आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स का कॉम्पोनेंट बताना है, जो डिस्कस हुआ है और टू मेन डिसीजन रिलेटेड टू दो डिसीजन और नेम टाइप ऑफ ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने लगाया है करो रीड चेक करो क्लासर बताओ ट्रेडिशनल ट्रेड और किराना स्टोर कॉन्स्टिट्यूट 90 परसेंट ऑफ एफ एम जी सी बिजनेस इन इंडिया एफ एम जी सी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स राशन आप राशन पानी कह सकते हो इसको एक्चुअल इज द मार्केट लीडर ऑफ इन एफ एम सी जी ओवर सिक्सटी लाख आउटलेट साठ लाख आउटलेट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज एस्टिमेट पतंजलि प्रोडक्ट आर करेंटली अवेलेबल इन इन टू लाख ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट उनके कितने साठ लाख पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी है वो टू लाख उनका साठ लाख है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सिंगल लार्जेस्ट ड्राइवर ऑफ एफ एम सी जी अब अवेलेबिलिटी होना चाहिए सॉपर रिसर्च सजेस्ट दर्टी टू फोर्टी परसेंट कंज्यूमर शिफ्ट प्रेफरेंस इफ द प्रोडक्ट ब्रांड इज नॉट अवेलेबल टू द स्ोर अगर तुम जो मांगा जा रो वो वो अवेलेबल नहीं है ना तो तुम छोड़ दोगे फिर तुम खरीदोगे न्यूज को

इन डायरेक्ट चैनल है अब इन चीजों के लिए डायरेक्टली कस्टमर घर जाके नहीं बेचोगे होलसेलर है रिटेलर है उसके बाद एक क्लास शॉपकीपर है ना क्लास कंज्यूमर इस तरीके से ओके तो मतलब बीच में होलसेलर और रिटेलर है नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा आखिरी चैप्टर और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा केस स्टडीज हमने तीन दिन में चार 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 करके बारह के बारह चैप्टर का केस स्टडी आज खत्म करने जा रहे हैं और भूलना नहीं आज शाम को सात बजे साढ़े सात बजे आठ बजे साढ़े आठ बजे शुरू से लेकर एक से लेकर चार चैप्टर तक का कंप्लीट रिविजन करेंगे विद ऑल की वर्ड विवेक परचेज बाइक फ्रॉम सारान ऑटो क्या लिखा है सरनाथ ये जो भी देख लेना राइटिंग क्लास ग्रिटन गारंटी और रिपेयर और रिप्लेस इफ नेसेसरी विद इन सिक्स मंथ और फाइव थाउजेंड किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल विद अर्लियर गाड़ी वाले ऐसे देते हैं छह महीना हैं पांच हजार जो भी पहले आ गया आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ चार सौ किलोमीटर इन टू मंथ द गियर ऑफ द बाइक स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम विवेक टूक द बाइक टू डीलर हू रिफ्यूज टू लिसन इज कंप्लेन कंप्लेन को सुना भी नहीं याराइट टू हियर का वॉयलेशन uh, हो गया राइट टू हर्ड का मतलब क्या है तुम मेरी बात को सुनोगे ही वॉज कन्फ्यूज अबाउट वॉट ही शुड डू सजेस्ट राइट दैट विवेक मे एक साइज इन दव केस तो सबसे पहला आप सजेस्ट करो क्या करोगे राइट टू हियर्ड सुनना है राइट टू सीक रिड्रेसल भैया पहले सुनना है और दूसरा क्या है क्लास सीक रिड्रेसल भैया आप कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो राइट right? ये दो आपके पास राइट right है अगला आ, uh, अगला क्या है क्लास यहाँ पे रीता शर्मा हू वर्क एज अ गार्ड इन अ स्कूल परचेज टू शर्ट फॉर फोर सिक्सटी इच मतलब नौ सौ कितने का नौ सौ बीस रुपए का अपने बच्चे के लिए शर्ट खरीदा वेन शी वॉज वेंट बैक होम शी रिज दैट शर्ट वॉज स्मॉल इन साइज फॉर छोटा पड़ रहा है शी डिसड टू आस्क रिटर्न फॉर मनी ऑर एक्सचेंज ऑफ शर्ट विद एन क्लास अप्रोप्रिएट साइज बट दर रिफ्यूज टू रिटर्न और एक्सचेंज द शर्ट रीता शर्मा वॉज डिसहार्टन हर फ्रेंड एडवाइस हर टू गो टू सेवा सदन एंड ऑटोनोमस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर दर्गेनाइजेशन हेल्प हर बाई एक्सपेंडिंग टू हर द लीगल प्रोसीजर उसको कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प किया लीगल प्रोसीजर में जाने के लिए और एजुकेट किया हर राइट एंड कंज्यूमर हेल्प हर इन फाइलिंग द कंप्लेन कंप्लेन भी फाइल कराई एंड गेटिंग रिलीफ रिलीफ भी दिलवाया उसको विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गनाइजेशन रीता वॉज एबल टू गेट हर मनी बैक फ्रॉम द स्टोर एन्यूमरेट द राइट ऑफ कंज्यूमर विद रीता शर्मा

इसको एजुकेशन दी गया एजुकेटेड हर अबाउट देयर राइट है ना एज वेल एज एजुकेटेड तो कंज्यूमर एजुकेशन तो तीन है इसके अंदर है ना राइट्स बोला एक से ज़्यादा राइट्स है कंज्यूमर एजुकेशन भी है राइट टू हेयर भी है इसकी बात भी सुनी गई और क्लास को कॉम्पनसेशन भी मिला राइट टू सीक्रेटर सर तो ये तीन क्लास राइट्स इसके अंदर है जो एक्सरसाइज किया गया है बाई रीता शर्मा Next, state the responsibility which Sumit had to fulfill as an aware consumer to get services of the company. Responsibility, briefly I need to write which Sumit could have exercised, he fulfilled his responsibility. Consequence all rights exercise karna to exercise smith purchased an isi mark washing machine of famous brand mg from tg electronic limited. the shopkeeper asked him to wait for two days for installation of the machine. his friend vivek was very fond of experimenting with the new electronic product. he told smith that he could do it. so both of them installed the machine without following the man manufacturer's instruction. initially, the machine worked effectively and the wash was good, but after two days, the machine started stopping between the wash cycle. smith-vivek tried best to start machine.

और न खराब हो गया आपकी क्या सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपको पूरी करनी थी और दूसरी बात एक्सप्लेन एनी टू राइट्स सुमित कुड हैव एक्साइज फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास कौन से दो राइट्स हैं कौन से दो अधिकार हैं जो तुमको क्लास पूरे करने चाहिए थे तो इसका आंसर क्लास आप खुद दोगे कमेंट <coughs> सेक्शन में काफ़ी सारे बच्चे देंगे आप जाके उसको चेक कर सकते हो मैं सही वाला आंसर का पिन कर दूंगा चलो रोनित राज अ मार्केटिंग मैनेजर इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज फॉर विच ही टेक मेडिसिन रेगुलरली वन डे ऑन हिज टूर ऑफ पटना ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वॉज हॉस्पिटलाइज डि डॉक्टर्स नेग्लिजेंट डेलीकेट नर्व ऑफ द राइट लेग वॉज कट रेंडरिंग हम क्रिपल थ्रू आउट हिज लाइफ ठीक है मतलब बहुत गलत हुआ उसके साथ कई बार होता है ना डॉक्टर से ऑपरेशन में कुछ गलती हो जाती है इसकी वजह से पेशेंट को जिंदगी और भुगतना पड़ता है आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट दैट हैव बिन वॉयलेटेड बाय द डॉक्टर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट टू कौन सा राइट का वॉलेशन हुआ है इलाज करवाने गया था जिंदगी भर के लिए क्लास जो है उसको अपाहिजता का सामना करना पड़ा तो ये कौन सा राइट है क्लास ये कहीं ना कहीं आपके राइट ऑफ सेफ्टी का उल्लंघन हुआ राइट टू सेफ्टी नहीं होगा लेजिबल का मतलब शायद कुछ लेबलिंग वगैरह नहीं होगी आर सून मेड अवेलेबल स्टेट द कंज्यूमर राइट विच मंजू एक्साइज तो मंजू ने कौन सा कंज्यूमर राइट right को एक्स एक्साइज किया मंजू ने देखा क्लास कि एक तरीके से लेबल नहीं है और कंप्लेन फाइल किया है ना और उसने क्लास उन्होंने सुना भी उन्होंने सुन के बोला ठीक है भैया हम आपका आ, पैकेट निकाल लेंगे मार्केट से और आपको लेबल वाला नया दे देंगे पैकेट तो कुल मिलाकर उसकी बात सुनी गई राइट टू तो बी हेअर्ड आप कह सकते हैं इसको एटी सुमन अ बॉक्स ऑफ चीज ऑफ अ रेप ब्रांड फ्रॉम शॉपकीपर. ऑन ओपनिंग द बॉक्स पीस ऑफ स्टोन इन द चीज स्टोन चीज है वीक ऑफ रिप्रेजेंट कंपनीसमेंट ऑफर न्यू चीज पैक विद फोर अदर वेराइटीज ऑफ चीज एज कॉम्पनसेशन तो भैया आपको कॉम्पनसेशन मिला यह कितना अच्छा है ना बताओ क्लास यहाँ पे कौन सा राइट एक्सरसाइज किया सुमन ने तो सुमन ने क्या सबसे पहले राइट टू का एक्सरसाइज किया बट उसे कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो यहाँ पे लिखोगे राइट टू सीक रिटर्सल बिकॉज देखो कॉम्पनसेशन तो राइट टू हेड के बाद ही मिलेगा तो हर जगह राइट टू हेड लिखेंगे नहीं राइट टू क्लास सीक रिटर्सल इसका सही आंसर होगा हिमेश आफ्टर कंप्लीटिंग इज ग्रेजुएशन स्टार्टेड वर्किंग विथ मल्टी नेशनल कंपनी इन दिल्ली बट ड्यू टू टिल इल क्लास ड्यू टू इल हेल्थ ड्यू टू इल हेल्थ हिज पेरेंट्स ही हैज़ टू गो टू बैक टू विलेज वाला भाई गाँव जा देर हैज नोटिस देर ही नोटिस दैट विलेजर्स वर लिटरेट वो पढ़े लिखे हैं बट इग्नोरेंट अबाउट द राइट उनको राइट का पता नहीं है मेनी वेजिटेबल वेंडर्स फॉर यूजिंग स्टोन भाई चुंबक चिपकाने वाला सीन आपने मूवी में देखा होगा ना क्लास वजन तोलते हैं नायक मूवी में चुंबक चिपका देते हैं और वजन को गलत तोल देते हैं है, है ना वेट फॉल्टी वेट कहते हैं उसको ठीक है Weighing, गलत वेइंग करते हैं, without, बिना के बेच रहे हैं। wrong, उनको कोई दिक्कत नहीं इस चीज से चलता है चलने दो सो टू क्रिएट जर्नल जन जागृति स्टेट द राइट विच हिमेशमेस क्या कर रहा है लोगों को एजुकेट कर रहा है वहाँ के लोगों को एजुकेट कर रहा है तो क्लास राइट टू एजुकेशन सही आंसर होगा आसान था क्लास इसमें पहचान लाइक कोई दिक्कत नहीं थी राइट टू एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा ओके 82. Prakhar published an ISI mark electric iron from Bharat Electrical while using found that it was not working properly. He approached the seller and complained for the same. The seller satisfied Prakhar by saying that he will ask manufacturer to replace the iron. The manufacturer refused to replace Bharat Electrical, decided to file a complaint. द कंज्यूमर कोर्ट भैया भारत इलेक्ट्रिकल एक शॉपकीपर है कमर्शियल पर्पज से बिजनेस बेच रहा है वो काम वो कंज्यूमर थोड़ी है क्या भारत इलेक्ट्रिकल कंप्लेन फाइल कर सकता है कैन भारत इलेक्ट्रिकल फाइल कंप्लेन इन द कंज्यूमर कोर्ट अगेंस्ट द मैन्युफेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स आइट आयरन गिव रीजन आंसर इज नो क्योंकि क्लास भारत लिमिटेड एक कंज्यूमर नहीं है और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 एक कंज्यूमर ही कंप्लेन फाइल कर सकता है क्लास और हम भारत को एज अ कंज्यूमर कंसिडर नहीं करते तो वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता हु कैन फाइल कंप्लेन एज पर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट टू के अकॉर्डिंग कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है तो सबसे पहला कंज्यूमर दूसरा है क्लास कंज्यूमर का जो लीगल हायर है अगर उसकी डेथ हो गई है तो तीसरा क्लास कोई कंज्यूमर हजार लोगों का सहमति लेके क्लास कंप्लेन फाइल कर सकता है तो ये था क्लास तो क्लास भारत इलेक्ट्रिकल की दुकानदार है दुकानदार कभी भी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता एंड फाइनली आज हमने अपना पूरा का पूरा केस स्टडीज का, पूरा के का ये जो था सीरीज हमने चार दिन चालू किया था उसे खत्म किया मैंने हर वो चीज तुम्हें कराई क्लास इमेज बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कल आने वाला है कल का दिन पूरा हैक्टिक है कल के दिन पूरी जम के मेहनत करने कुछ और नहीं करना नो टाइम वेस्टेज मैं और आप जम के मेहनत करेंगे और बिजनेस के पेपर को बहुत बेहतर बनाएंगे लेकिन एस पी सी जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है तीन के तीन जरूर जरूर जरूर, जरूर बनाना है, हर एक बच्चे को बनाना है उसके बाद अकाउंट्स में भी आग लगाएंगे टेंशन ना लो क्लास आप पेपर देने जाओगे मैं अकाउंट्स की तैयारी करवाऊंगा आपकी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा आपकी आप आओगे तो क्लास एक बेहतरीन से स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा आपके साथ ताकि आपका अकाउंट्स का पेपर आखिरी अंत वाला सब भला उसके बाद हमें सी को भी फोड़ना और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है एस में एडमिशन लेना है और डी के क्लास जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें हमें एडमिशन लेना है चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो चाहे वो साउथ कैंपस हो ठीक है बाकी टेक केयर बाय गॉड ब्लेस यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना कोई दिक्कत परेशानी हो कॉमेंट में मैं आपका वेट कर रहा हूँ